के अंदर, 90 के अंदर माशाल्लाह एक सौदा हुआ है दांतों में। दो क्या डिमांड की थी इसकी? एक तीस। अच्छा भैया, एक का ये सौदा हुआ, कितने दांतों में है ये? मंडी माशाल्लाह से अभी कस्टमर का आना शुरू हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची वालों के पास जो है वो रखने का सेटअप नहीं होता। जो है जिस तरीके से सोराबगढ़ होती है या दूसरी मंडियां होती हैं, अभी उस तरीके से जो है वो कम्प्लीटली उस तरीके से लगा। 1,20,000 रुपये से लेकर जो है वो 2 लाख की कैटेगरी अभी हमारे पास मौजूद है। इंतज़ाम मौजूद है, वो हमारे पीछे फार्म है यहाँ करीब में, तो वहाँ हमने जो है वो सेटअप बनाया हुआ है। तो जो भी इंशाल्लाह रब्ता करेगा तो वहाँ पर उसका माल जो है वो अगर कुर्बानी तक रखवाना चाहे तो उसकी फैसिलिटी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी इन्फॉर्मेटिव देखने वाले तमाम शौकीनों खुश आमदीद कहता हूँ। तो कुरैशी हाजिर एक नई वीडियो के साथ मलिर जोखी मंडी में। आप देख सकते हैं भाई, अब मंगल का जो सिलसिला है वो आज से ख़त्म हो जाएगा। और ये शामियाना देख रहे हैं प्रॉपर, जिस तरह सोराबगढ़ के ऊपर मंडी लगती है या जिस मार्केट लगती है, रोज़ाना की बुनियाद पर यह मंडी लगी रहेगी। और अब आप रोज़ाना आ सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं, अपने जानवरों की कुर्बानी के लिए जानवर ले सकते हैं आप। तो चलिए, हम भी आपको इन तमाम जानवरों का शौक भी कराएंगे, सौदे भी दिखाएंगे। तो गुजारिश, जो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कितना मिली है भैया? 180। अच्छा भाई, 180 के अंदर माशाल्लाह दे रही है। 180 के अंदर सौदा हुआ है जनाब। क्या डिमांड क्या की थी इसकी? सर इसकी 280 की डिमांड। 280 की दिया कितने में? 180। सर ऊपर भाई 280 की डिमांड थी, 180 में दिया है। देख लें, अंदाज़ा कर लें आपके क्या दाम चल रहे हैं और कितनी बार्गेनिंग अंदाजा हो जाती है, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप। बाकी 100 ये हुआ, इसको दिखाते हैं माशाल्लाह, पूछते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बच्चा नाप जा रहा मैं ये, और 1,500 के अंदर 100 आ रहा है। माशाल्लाह मलिर मंडी के अंदर जैसा पता है आपको, अब सच चुकी है पूरी तरह, अपने जोबन के ऊपर आ गई है माशाल्लाह, उरूज के ऊपर माशाल्लाह नज़र आ रही है। और हर जगह जानवरों का देखें आप भरमार है। और अब ये मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर लगेगी। मंगल वाली जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया, मंगल को सिर्फ मार्केट लगेगी। इसलिए अब जैसे भी माल नज़र आएगा इस तरह नज़र आएगा, जो हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे सौदों का भी। और जो माल है अभी भी मलिर मंडी एक वाहिद ऐसी मंडी, आपने देखा होगा सौदे भी दिखाए, और दिखाएंगे हम आपको कि सबसे सस्ती मार्केट जो कराची में जा रही है वो हमारी मलिर मंडी है। आपने देखा होगा कि नेवल, लियारी, नादरा बाईपास जितने भी रेट चल रहे हैं आपके सामने हैं। हालांकि ये जो माल लियारी में खड़ा हुआ, मैं बारहा कहता हूँ कि भाई ये भी पंजाब से और दूसरे शहरों से आया हुआ, ये कराची का माल नहीं है। लेकिन इधर रेट में उधर रेट में कितना फ़र्क है, ये असल में 12 महीने वाले यहीं रहने वाले व्यापारी हैं। थोड़े रेट बढ़े हैं लेकिन इतने नहीं जितने वहाँ बढ़े हुए हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अभी भी सौदे दिखाए कितने कम रेट में चल रहे हैं, अभी जो माल खड़ा है उसके भी रेट मुनासिब हैं। सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई बताइएगा माशाल्लाह मंडी की क्या पोजीशन चल रही है? मंडी माशाल्लाह से अभी कस्टमर का आना शुरू हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची वालों के पास जो है वो रखने का सेटअप नहीं होता, इस वजह से वो थोड़ी लेट ख़रीदारी करते हैं। तो अभी माशाल्लाह से जो है वो ग्राहक आना शुरू हुआ है मंडी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह सौदे हो रहे हैं इस टाइम पर। तो अभी ये मंगल वाली मंडी का क्या सिलसिला चलेगा? रोज़ाना की बुनियाद पर लगेगी या मंगल मंडी ख़त्म कर रही है? जी जी, अब मंगल वाले दिन क्योंकि अभी ये मंडी प्रॉपरली पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, तो अब मंगल वाले दिन यहाँ पे धक्का लगने की और जो मंगल वाले दिन की मंडी है वो लगने की इस टाइम पे गुंजाइश नहीं है। तो अब ये प्रॉपरली जो है जिस तरीके से सोराबगढ़ होती है या दूसरी मंडियाँ होती हैं, अभी उस तरीके से जो है वो कम्प्लीटली उस तरीके से लगा करेगी। अच्छा, आपके पास अभी इस वक्त कम से कम रेंज वाला माल कितने वाला खड़ा हुआ है? सर इस साल हमने जो है वो उन कस्टमर्स के लिए जो कि कुर्बानी करते हैं और थोड़ी कम रेंज होती है उनकी, उनके लिए माल उतारा है। तो 1,20,000 रुपये से लेकर जो है वो 2 लाख की कैटेगरी अभी हमारे पास मौजूद है यहाँ। अच्छा, यहाँ कुछ बताएगा ये कितने वाला है, दांतों में क्या है? जी ये दांतों में 2 है बछड़ा, मीट वेट इसका तकरीबन 4 मन के आसपास होगा। और ये इसकी जो डिमांड कर रहे हैं हम 1,80,000 रुपये कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़, हाँ बिल्कुल गुंजाइश तो इसमें होगी लेकिन इसमें मुनासिब डिमांड कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा बारगेनिंग नहीं है जैसे कि नॉर्मली बड़े माल के अंदर होता है।
तो इसमें यह है कि इंशाल्लाह जो भी कस्टमर आएगा उसके साथ वो करेंगे, लेकिन इसमें जो मुनासिब डिमांड कर रहे हैं और मुनासिब पैसों में इंशाल्लाह जो है। अच्छा, अगर कोई कभी जैसा कि रिहायश वाले आपने बात की गुंजाइश नहीं होती है, अगर कोई आपसे लेने के बाद यहाँ खड़ा कर दे आपके पास ही तक के लिए, इसके लिए क्या कुछ है ऐसा इंतजाम आपके पास? जी जी बिल्कुल, ऐसा इंतज़ाम मौजूद है, वो हमारे पीछे फार्म है यहाँ करीब में, तो वहाँ हमने जो है वो सेटअप बनाया हुआ है, तो जो भी इंशाल्लाह रब्ता करेगा तो वहाँ पर उसका माल जो है वो अगर कुर्बानी तक रखवाना चाहे तो उसकी फैसिलिटी मौजूद है। तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं आपके डेली के बेसिस मेन मंथली? डेली बेसिस के ऊपर उसके चार्जेस हैं, डिपेंड करता है जानवर के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो पीछे खड़ा हुआ है। जी ये बछड़ा भी दांतों में दो है और इसका मीट वेट भी तकरीबन जो है वो 4.25 के अराउंड होगा और इसकी डिमांड भी 1,80,000 रुपये कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये वाला बताइएगा। अच्छा ये बछड़ा जो है ये दांतों के अंदर जो है वो 4 है और इसका मीट वेट तकरीबन 4 मन प्लस होगा और इसकी डिमांड जो है वो 1,90,000 रुपये। ठीक हो गया, ये बताइएगा ये खराब है। अच्छा ये भी दांतों में जो है वो 4 है बछड़ा और इसका मीट वेट तकरीबन 4.5 मन प्लस है और इसकी जो है वो डिमांड कर रहे हैं 2,25,000 रुपये कर रहे हैं। ये वाला? ये दांतों में 2 है बछड़ा और इसका मीट वेट तकरीबन जो है वो 3.5 मन है और इसकी डिमांड 1,70,000 कर रहे हैं। ये तो छोटा लग रहा है, क्या ख्याल है? जी ये छोटा है, तकरीबन जो है वो 3 मन के आसपास है और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो 1,40,000 रुपये कर रहा है। ये माशाल्लाह, ये भी आप? अच्छा ये जो है वो बिका हुआ है बछड़ा जो है। जी चलें जी, इसका माशाल्लाह सौदा हो गया। कुछ हमको दो चार आपने बड़े भी दिखा दीजिएगा ताकि हमारे शौकीन हो। अच्छा देखिए माशाल्लाह अभी भी माल मौजूद है इतने रेट के अंदर, 90 के अंदर माशाल्लाह एक सौदा हुआ है दांतों में 2। क्या डिमांड की थी इसकी? 31 डिमांड की थी कुर्बानी के लिए माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए। जी अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। ये देख के कल है माशाल्लाह जी, तकरीबन 2.5 मन का बछड़ा करीब है, 2.5 मन का है माशाल्लाह। ये उठा दो इसको बेचारी को, मेहनत बहुत कर रहा है यार ये। अरे तुम लोग ये कहाँ नहीं उठ रहा सलाम वालेकुम, कितने में ले लिया अभी तो? 31 में ले लिया मार्च। दांतों में क्या ये? अंदाजा लगा लें सौदों का, असल कीमत यहाँ पता लगती है जानवर कितने का बाहर जा रहा है। एक का लिया है? अच्छा भैया एक का ये सौदा हुआ, कितने दांतों में ये? बच्चे लिए भाई एक का दांतों में ये 2 है। देख लो माशाल्लाह शौकीन का माल भी, शौक वाला भी है। उमर भाई इसका बताइएगा मुझे। जी माशाल्लाह ये दांतों में अभी 6 हुआ है, दांतों के अंदर चोलेस्तानी बछड़ा है, फुल पलाइयों के अंदर है बछड़ा और इसका मीट वेट तकरीबन 10.5 से 11 मन वज़न है और इसकी डिमांड जो है वो ऑन कॉल होगी। सही हो गया माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी जसामत का है जनाब। जी ये लाल अबलग बछड़ा है चोलेस्तानी और दांतों में ये भी 6 है और इसका मीट वेट तकरीबन जो है वो 11.5-12 मन वज़न होगा। ये भी कॉल के ऊपर चलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी बड़ा खूबसूरत है, सलामी वगैरह की। ये कौन सी नस्ल में है? ये चोलेस्तानी में है लेकिन ये बिचोला है, ठीक है ना, जिसको गेना कहते हैं आप। जी जी। और इसकी सलामी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट देख सकते हैं, पिछले पैरों पर भी इसके मोज़े हैं और 2 फेस है ये बछड़ा। एक साइड से इसका फेस डिफरेंट है, दूसरे साइड से इसका फेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जैसा कि आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। सही बोले आप, साइड पास का ब्लैक जा रहा है पूरा। जी तो ये भी दांतों में जो है वो 6 हो रहा है इस टाइम। अच्छा ये बैठा हुआ है? अच्छा ये चोलेस्तानी बछड़ा है, दांतों के अंदर ये 4 है और मीट वेट इसका तकरीबन 8.5 मन है। ठीक हो गया। फिर ये बछड़ियों की हमारी कलेक्शन है और इंशाल्लाह इसके अलावा भी माल खड़ा हुआ है, गुलाबी माल है और इंशाल्लाह और माल भी आता रहेगा। जो शौक वाला माल है शौकीनों के लिए वो इंशाल्लाह वो माल भी इंशाल्लाह आता रहेगा, तो जो भी बंदा है वो इंशाल्लाह रابطہ कर ले, जो भी हमारे ग्राहक हैं आपके व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं वो इंशाल्लाह रابطہ करें, तो इंशाल्लाह जो है वो वीडियो भी मिल जाएगी और इंशाल्लाह मुनासिब कीमत कर दी जाएगी। अच्छा अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइएगा, लोकेशन? जी 0331-2303-493
और ये लोकेशन इसकी मलीर जोखियो मंडी है, अलाहत कैटल है, और यहाँ पर जहाँ पर मंगल वाले दिन की मंडी लगती है ये वहाँ पर आड़त बनी हुई है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी उमर भाई।